के लिए यही कहूँगा कि कल जिस तरीके से कल का घटनाक्रम चला, आज का घटनाक्रम चला, 5-10 लोग जाते हैं, फिर गिरफ्तारियां देते हैं, बसों में बैठ के थाने में चले जाते हैं, ये कोई गिरफ्तारी नहीं होती। यहाँ पे पीसीसी में एक जन सुनवाई का कांग्रेस के द्वारा ढोंग रचा गया था, उसे ढोंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जन सुनवाई अगर होती है तो उसमें जनता की बातें सुनी जाती हैं, और CHA जब अपने हक और अधिकार लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, वो उस जन सुनवाई में जाने का प्रयास कर रहे थे, जब 24 CHA को वहाँ से उठा लिया जाता है और हमारी 8 बहनों को उठा लिया जाता है, और इस तरीके से 32 हमारे बहनों भाइयों को, CHA साथियों को गिरफ्तार करके उनके साथ इतनी प्रताड़नाएं की जाती हैं, प्रशासन इतना दबाने का, उतना मेंटली टॉर्चर करने का प्रयास करता है, वो गिरफ्तारी और कल से जो एक ढोंग रचा जा रहा है उस गिरफ्तारी में बहुत फर्क है। अशोक जी गहलोत ने कल एक बात कही थी कि क्या एक राजस्थान या फिर देश का आम नागरिक ईडी के अधिकारी से नहीं मिल सकता, या क्या एक प्रधानमंत्री से एक देश का व्यक्ति नहीं मिल सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमें अशोक जी गहलोत से मिलवाने की बात हुई तब प्रशासन के अधिकारियों ने और CM साहब के लोगों ने यह कहा कि आपको मिलते ही धरना समाप्त करना पड़ेगा। तो ये एक मतलब तानाशाही रवैया है कि मिलते ही धरना समाप्त करना पड़ेगा। मिलने हम यहाँ पे 76 दिन से CM से मिलने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे 76 दिन से बैठे हैं अपनी मांगों को लेके, अपने हक और अधिकार की बातों को लेके बैठे हुए हैं। CM साहब के मन में अगर कोई गुरूर पल गया है और वो स्पीकर छीन रहे हैं तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि 2023 दूर नहीं है। आज जिनके आप स्पीकर छीन रहे हो ना, वो आने वाले 2023 में आपकी कुर्सी भी छीन सकते हैं और कुर्सी से इस तरीके से धकेल सकते हैं जैसे 2008 में आपकी 96 सीट हुआ करती थी राजस्थान में और 2013 में 21 सीटें बची थी। तो आपको किसी भी तरीके का गुरूर नहीं पालते हुए इन युवाओं की बातों को सुना जाना चाहिए, और जिस तरीके से आपने मंत्रालयों के और लोगों का बंटवारा कर रखा है, इसमें मंत्री कोई भी किसी भी तरीके का जवाब देने में सक्षम नहीं है। जिस भी मंत्री से मुलाकात होती है CM साहब देख रहे हैं, तो जिस तरीके की तानाशाही आप आरोप लगाते हो अमित शाह नरेंद्र मोदी पे, आपने भी राजस्थान में, वहां तो दो लोगों की तानाशाही चलती होगी आपके बातों के अनुसार, यहां राजस्थान में एक व्यक्ति की तानाशाही चलती है और वो संवेदनशीलता के नाम पे तानाशाही चलती है, ये बड़ी बात है। तो यहां पे आपको अगर तानाशाही का जवाब देना है तो राजस्थान के कोविड स्वास्थ्य सहायकों को, 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को संहिता कैडर में शामिल करते हुए उनके भविष्य को सिक्योर कीजिए, ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि राजस्थान में जो कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए थे, जिनकी तर्ज पे पूरे भारत में कोविड स्वास्थ्य सहायक लगे हैं, एक मांग उठेगी कि कोविड स्वास्थ्य सहायक CHA का नाम अलग अलग दे के अलग अलग प्रदेशों में लगाए गए थे, उन्हें आज परमानेंट कर दिया है या फिर संहिता कैडर में शामिल कर दिया है, उनके भविष्य को सिक्योर कर दिया है। इस तरीके से आप उनको एक अच्छी, पूरे देश को एक अच्छा मॉडल दे सकते हो OPS की तरह, या आप चाहते हो कि हम इसी तरीके से बैठे रहें तो हम अपना हक लेके ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और जिस तरीके का आप ढोंग कर रहे हो, पूरे देश में ढोंग कर रहे हो, इस ढोंग के नाम पे आपको वोट नहीं मिलने वाले, काम करोगे तो वोट मिलेंगे, अगर काम ही किया होता तो आज पूरे देश में आप साफ नहीं होते। आप जिस तरीके से पूरे देश में साफ कर रहे हो, पूरे कांग्रेस को साफ करते जा रहे हो, अपनी कार्यशैली